दोस्तों क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव के लोगों पर कहर बनकर टूटा और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों प्राचीन काल से ही ये प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेज दिया, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस घर लौटा तो विनोद ने देखा कि उसमें से एक गाय कम है। शायद वो गाय जंगल में ही कहीं रह गई हो। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल में उसे ढूंढ कर आता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकदार कोई चीज चमक रही है। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा बहुत हिलाने के बावजूद भी जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आई, तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय मर गया। जब विनोद को ये समझ में आया कि ये तो एक नागमणि है और उसने अभी अभी इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या सच में वो मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। विनोद ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसके पास नागमणि है, और उसने हाथ में उस नागमणि को लिया और एक इच्छा जाहिर करी कि मेरी जो गाय जंगल में रह गई थी वो तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई हो। अब वो सब कुछ वो पा सकता है जो वो हमेशा से पाना चाहता था। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने उस इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, बल्कि वो इसे यूं ही छोड़ आया, और उसकी यही नादानी कारण बनने वाली थी उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से वो अपने जिंदगी में जीने लगा। और इधर वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गाँव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक बार विनोद अपने काम से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। तब विनोद ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो स्त्री के वेश में उस नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास ही के गाँव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो अन्य स्त्री के साथ शादी करके घर आ गया और मुझे मार पीट कर उसने घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। विनोद को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से विनोद बहुत आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई, और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विनोद को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विनोद और कविता घूमने गए और एक जगह कविता ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है, तो विनोद ने कहा कुछ नहीं, ये तो एक मामूली सा तावीज है। दोस्तों दरअसल वही नागमणि विनोद ने तावीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये बात सुनकर विनोद बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता हूँ, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद लड़की रूपी उस इच्छाधारी नागिन ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद विनोद ने कहा कि ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे इसे वापस कर देना। और विनोद ने उस चमकीली चीज को निकाल कर उस लड़की के हाथ में दे दिया।
जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर उसे मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में महादेव के सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर से लिख दें। अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।